इस बार बहुत अच्छी जो कट ऑफ गई है, काफ़ी अच्छी जो फील्ड में वो ख़त्म हुई, वो जो दो दो तीन तीन नंबर से पहले क्या था कि नंबर तो बढ़ जाता था पास होने का, लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे, इतने मेहनत नहीं कर रहे, अपनी तैयारी नहीं कर रहे, उसे या चार दिन पढ़ करके वो हो जाएगा। अभी कुछ बच्चे आपने देखा है पूरे उसमें हिंदुस्तान कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ मेहनत के बल पर। तो अब जो भी मेहनत करेगा, क्योंकि जो अपने इस बार आपने देखा भी रिजल्ट भी बहुत टाइम से सब आ गए, क्योंकि अभी काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं, देखिए ज़्यादातर कॉलेज में एडमिशन्स कंप्लीट हो गए हैं, कुछ सीट कहीं कहीं पर खाली हैं। जो वीसी के परमिशन से 14 अगस्त तक का समय है, तो हमने सभी कॉलेज को ऑथराइज कर दिया कि जहाँ भी सीट खाली हैं और क्वालिफाइड बच्चे मिल रहे हैं, तो अपने प्रदेश के जितने भी वो हैं छात्र छात्रा हैं, उनको एडमिशन दे दिया जाए। उन छात्र छात्राओं को बिलासपुर आने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी में वो अपने आकर के समय व्यर्थ ना करें, तो ये सबको सूचना दे दी गई है। और ज़्यादातर हमारे महाविद्यालय में इस बार जो एडमिशन्स की कट ऑफ गई है वो बहुत अच्छी गई है, बहुत अच्छे बच्चे एडमिशन पाए हैं, और इससे लग रहा है कि जो गुणवत्ता लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में और अच्छी होगी, क्योंकि इसके कई कारण हैं। दूसरा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, तीसरा ये है कि काफ़ी टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है। प्राइवेट कॉलेजों में भी अगर देखें तो पिछले दो साल में करीब 470-80 टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, नॉन टीचिंग का अपॉइंटमेंट हुआ है। गवर्नमेंट की फर्स्ट लिस्ट में भी अपॉइंटमेंट हुआ, दूसरी लिस्ट में भी करीब 966 पोस्ट एडवर्टाइज हैं। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, टीचर्स में सुधार, और जो हमारे सिलेबस थे उनमें बदलाव हुआ, सभी सिलेबस बदल दिए गए, जो 10-12 वर्ष से लेने गए थे, प्रैक्टिकल्स में सुधार, तो ये सारे चीज़ें जो हुई हैं इनसे ओवरऑल गुणवत्ता में सुधार आया। और ये देखा गया है कि जो बच्चे फेल हुए तो वो मार्जिनल, और जो बच्चे पाए तो मार्क्स बड़े अच्छे मार्क्स पाए, तो ये कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इस बार रहा है एडमिशन के लिए। और इससे लगता है कि जो बच्चे एडमिशन अच्छे नंबरों वाले पास होकर के पाए हैं वो और मेहनत करेंगे और एक अच्छे एकेडमिक कंपटीशन का माहौल बनेगा, ऐसा नज़र आता है। सर अब पिछले 2-3 वर्ष में लगातार UGC, MHRD और हमारे शासन की तरफ से विश्वविद्यालय से ये हमेशा प्रयत्न चल रहा है कि नई नई चीज़ें इसमें लाई जाए और शिक्षा में सुधार हो, गुणवत्ता में लगातार बढ़ोतरी हो। ये देखने को भी मिलने लगी कि जो हमारे ऑटोनोमस 3 कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम लागू किए और उनकी हमने तुलना की कि एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम में कितना सुधार आया, तो ये पाया गया कि 5 बिंदुओं पर मुख्य सुधार हुई है। एक तो अटेंडेंस में बहुत अच्छा सुधार हुआ, बच्चों की अटेंडेंस बहुत सुधरी। दूसरा, बच्चों की राइटिंग कैपेसिटी बढ़ने लगी क्योंकि वो असाइनमेंट मिलते थे। तीसरा ये हुआ कि उनकी स्पीकिंग, क्योंकि सेमिनार वगैरह देते हैं तो एक कम्युनिकेशन में सुधार हुआ। चौथा ये कि जो इजी बुक्स पढ़ करके एग्ज़ाम के टाइम में पास होने की प्रवृत्ति थी वो ख़त्म हुई, क्योंकि लगातार कंटिन्यूस इंटरनल टेस्ट होते हैं जिनके मार्क्स भी जोड़े जाते हैं, तो लगातार पढ़ने पढ़ाने की वो प्रवृत्ति बढ़ी और उसमें सुधार हुआ। और अल्टीमेटली जो रिजल्ट हुआ उन ऑटोनोमस कॉलेज में अप टू 35% जो है उसमें सुधार आए। ये एक हमारा मापदंड है जिसकी हमने एनालिसिस की है, तो इससे लगता है कि भाई अब जो गुणवत्ता में सुधार हो रहा है वो सभी में हो रहा है और आने वाले समय में और अधिक इसके वो होगा। सर पूरक परीक्षा है कब तक आयोजित करने के विचार में है? देखिए अभी रीइवैल्यूएशन का पार्ट चल रहा है, जो रिजल्ट आए थे हमने ऑनलाइन सबसे फॉर्म मंगवाए थे, लेकिन कुछ बच्चे जो उनसे छूट गए तो उनको अलाउ स्पेशल उसमें कर दे रहे हैं,
तो कुछ के रिवोल्यूशन के रिजल्ट आ गए, लेकिन कुछ थोड़ा इसलिए भी हमें उनका वेट करना पड़ रहा है कि जो भर रहे हैं अभी तो उसके बाद भेज रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी 15 सितंबर तक ये सब ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम डेट डिक्लेयर करके 15 दिसंबर हमारे जो टारगेट है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, बल्कि उसके पहले कोशिश रहेगी कि जिससे कि उनको भी समय मिले काफ़ी अगले एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। सर, इस बार आप लोगों ने एक निर्णय लिया था कि ऑनलाइन फॉर्म सभी कॉलेजों से भराए जाएंगे, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया इस बार। तो इस बार क्या व्यवस्था करेगी, पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगा? देखिए, ऑनलाइन का और ऑफलाइन का दोनों शुरू शुरू में हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है। हमारे कई कॉलेज चाहते हुए भी पूरा इंटरनेट नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ वो डोंगल वगैरह से काम चलाते हैं, लेकिन जब तक वो वाईफाई कैंपस पूरी तरह से नहीं हो जाएंगे तो बच्चों को इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पाती है। जगह जगह वो 20 किलोमीटर ऐसा बताते हैं, 30 किलोमीटर चलने पर वो मिलती है। तो इसलिए अभी ऑफलाइन भी रखना हमको ज़रूरी होगा। और इसके साथ साथ अब अगले वर्ष हम उसको और बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन से एक ये फ़ायदा है कि बच्चों को भी वो मिल जाएगा और जल्दी भी हो सर, जाएगा। क्या वजह है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने निर्देश जारी कर दिया है वो आपको वो इंटरनेट लेना है, वाईफाई कैंपस करना है, उसके बाद भी महाविद्यालय इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप देखिए, निर्देश विश्वविद्यालय देंगे? ने तो जोर दे रहे हैं, हो रहा है, लेकिन हमको एक ज़मीनी हकीकत भी देखने को मिलती है जब हम इंटीरियर में जाते हैं कि वहाँ पर या तो सर्वर काम नहीं कर पा रहे हैं या वो लाइन नहीं है। तो जो ग्रामीण वाले क्षेत्र हैं वो अभी भी वो काम तो चला रहे हैं अपने डोंगल वगैरह से, लेकिन पूरे कॉलेज वाईफाई होने में थोड़ा समय लगेगा। तो कब तक ये ऑनलाइन की सर पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा? देखिए, हम तो कोशिश में कि अगले वर्ष से और अधिक से अधिक हो, क्योंकि हमने वो स्टूडेंट लाइफ साइकिल की शुरुआत की है और सब जगह जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको हम बढ़ावा भी दे रहे हैं, कह भी रहे हैं, उनके साथ तो कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं कि वो पहले करा लें, कुछ प्राइवेट करा लें। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें होंगी तो क्या है कि गलतियाँ कम होने लगेंगी एग्ज़ाम फॉर्म में या रिवोल्यूशन में या जो इस तरह की छोटी छोटी नाम लिख करके या फॉर्म में वो गलती हो जाती है कि कोर्स का कोड नंबर बदल गया, ये सब इनमें कमी आ जाएंगी। सर, खेलों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय क्या पहल कर रहा है, क्या देखिए, टूर्नामेंट आयोजित होने वाले हैं? स्पोर्ट्स का जो हमारे बिलासपुर विश्वविद्यालय की तरफ से पूरा शुरू से ही ये कोशिश रही है कि इसको बढ़ावा मिले। 2012-13 में सबसे पहला जो है हमने नेशनल इवेंट लिया इसका, बॉक्सिंग का, मैन वुमेन का, फिर दूसरा लॉन टेनिस वुमेन का, फिर तीसरा कबड्डी का। हर वर्ष कुछ ना कुछ ये लिया। इस बार अभी पहले स्टेट लेवल के वॉलीबॉल का रहेंगे, फिर एक नेशनल लेवल का जो हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर डिसाइड करेंगे। तो हर वर्ष कुछ ना कुछ उसका रहेगा और सभी जो इतने भी स्पोर्ट्स के नेशनल के वो हैं इवेंट, उसमें हमारी टीम भेजते हैं। पिछली बार कई नई टीम भी गई, योगा में गई, तैराकी में जाते हैं, उसमें हमें प्राइज भी लेकर के आए हमारी टीम। तो इस तरह से धीरे धीरे स्पोर्ट्स में भी तरह तरह के स्पोर्ट्स में इवेंट्स में को ऑर्गेनाइज करना और उनमें भेजना, उससे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा और वो हो सकता है कि अपना कैरियर स्पोर्ट्स में बनाने की भी सोच लें और अपने प्रदेश का नाम हो, यही एक हम लोग का उद्देश्य। सर, AIU या MHRD से कुछ नए दिशा निर्देश शिक्षा के लिए, कुछ नई योजनाओं पर कार्य? देखिए, AIU की लगातार आ रही है और MHRD UGC से स्किल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो अपने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस यूनिवर्सिटी में शुरुआत की गई है, अपने कुछ जो महाविद्यालय हैं उनमें भी ITI के साथ में मिल करके और जो अपने छत्तीसगढ़ स्किल डेवलपमेंट का है उससे वो ले रहे हैं और कई सर्टिफिकेट कोर्स अपने महाविद्यालय में शुरू किए हुए हैं। तो इससे क्या है कि अपने जो नॉर्मल वो चल रहे हैं कोर्स उसके साथ साथ स्किल वाले भी सीख पाएंगे। अभी दो जगह हमने जो NAC की वर्कशॉप की है जिले वाइज, कोरबा और कल जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा में हुई, तो उसमें भी ये बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा महाविद्यालय छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करें जो स्किल से संबंधित हैं, खासतौर से जैसे कम्युनिकेशन के हैं,
या कंप्यूटर्स के हैं, तो ये करने से उनमें और थोड़ा सा जो गुणवत्ता में और अधिक सुधार है। सर कल को ये ना हो कि भाई एक टीचर ने ज़्यादा दे दी, वो मॉडल आंसर हमारे पास करेंगे, नहीं तो इतने महाविद्यालय आप तो सोच सकते हैं कि भाई हम शांति से यहाँ बैठ के देखिए ये काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। नहीं आया था भैया भी है नौकरी में, एक आध दिन ना आप अपने।